बिहार के कैमूर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। भूत की डिमांड पर ओझा ने घर वालों से शराब मंगवाई कि झाड़फूंक की जाए और भूत को शांत किया जाए। अभी ओझाई शुरू होने ही वाली थी कि गांव के किसी व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दे दी कि ओझाई में शराब 7 पैकेट मंगाई गई है। फिर क्या था, पुलिस पहुंच गई और ओझाई को बंद करना पड़ा। ओझा किसी तरह फरार होने में कामयाब रहा, पर घर के बुजुर्ग को पुलिस थाने ले गई और जेल भेज दिया। बताया जाता है कि भरत बिन की पत्नी की 4 महीने से तबीयत खराब थी। काफी दवा की गई लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, तो किसी ने सलाह दे दी कि गांव के ओझा से ओझाई करा लो, तुम्हारी पत्नी की तबीयत ठीक हो जाएगी। भरत बिन के घर वाले तैयार हो गए। ओझा को बुलाया गया, ओझाई का सारा सामान मंगाया गया, साथ ही शराब भी आई, लेकिन ऐन मौके पर किसी ने पुलिस बुला दी, जिसके बाद सारा खेल ही बिगड़ गया। वहीं भरत बिन ने बताया कि चुनाव भभुआ प्रखंड में 8 दिसंबर को होने वाला है। प्रत्याशी मुर्गा और शराब बांट रहे थे, तो हम भी पत्नी के झाड़फूंक के लिए 7 पैकेट शराब यहां ले आए। अभी ओझाई शुरू ही होने वाली थी कि किसी ने पुलिस को सूचना दे दी और फिर पुलिस भी मौके पर आ गई। ओझा तो भाग गया, हम पकड़े गए। पुलिस दरिया को नहीं कहा दारू? हाँ। को पाउच रहे 7 गो रहे। कहाँ से दरिया ले रहे? अरे को ये पार्टी वाला दे दे रहा हूँ समझे। गाँव में बेचाला नहीं? हाँ। पार्टी वाले जाए ऑटो वाला नहीं खाने पिया खिया। अच्छा, ऑटो वाला पिया उतरा। हाँ, वो ही ले रही। हाँ, वो ही दे ले रहा हूँ। मतलब वोट मांगा, वोट देवे खातिर ले रही। हाँ, वोट दे। अच्छा, तो कहा नहीं को झाई करवाए के रहे? तो झाइया वही के नाम करवा जाते रहे। अच्छा, वो झाई करवाए एकरा भूत ही ले रहे। हमारा मौगी। और मौगी का होते रहे? का होते रहे मैंने का मैंने तबियत खराब रहे। तबियत 4 महीने खराब। अच्छा, तो ओझा कहलन कि झरवाल ही झरवाल भी तो ठीक हो के रहे। अच्छा, तो झरवावत रही वही खाती दारू ले रही ना? हाँ। तो ये लोग कैसे पहुँच गए पुलिस? ये लोग फोन गांव का कर दे। सवाल ये है कि बिहार में शराबबंदी है, तो झाड़फूंक में शराब कैसे मंगवाई जा रही है? शराब गांव में कैसे आई, ये जांच का विषय है और पुलिस अब इसमें जुट गई है। कैमूर से एनबीटी ऑनलाइन के लिए प्रमोद कुमार की रिपोर्ट।